आइए हम आज का वचन सुनते हैं, मती 13:23 को पढ़िए। हालेलुया, ध्यान से पढ़िए, जिसके पास बाइबल है बाइबल ले लें। मती 13:23, हालेलुया। अच्छी भूमि में बोया गया वो मनुष्य है जो वचन को सुनकर और समझकर वास्तव में फल लाता है, कोई 100 गुणा, कोई 60 गुणा और कोई 30 गुणा। हालेलुया, हम सबने वचन सुना, वचन क्या कहता है। अच्छी भूमि का मनुष्य, या किस मनुष्य की बात कर रही है, जिसके अंदर अच्छी भूमि है। हालेलुया, जो परमेश्वर को उसने समझ लिया है, जिसने परमेश्वर के वचन को अपना लिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जो परमेश्वर के वचनों पर चलता है, जो परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलता है। हालेलुया, जिसने अपना जीवन परमेश्वर को दे दिया है, वो अच्छी भूमि वाला मनुष्य है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, वो कौन है? अच्छी भूमि वाला परमेश्वर। जैसे मैंने बताया था कि परमेश्वर की जो आज्ञा है वो हमारी भूमि को तैयार करती है, हमारी भूमि को तैयार करती है परमेश्वर की आज्ञाएं। हालेलुया, हमें कैसे रहना है, झूठ नहीं बोलना है, हत्या नहीं करनी है, व्यभिचार नहीं करना है, ये सारी जो आज्ञाएं हैं, परमेश्वर को नतमस्तक करना है, उसको पहला स्थान देना है, ये सारी आज्ञाएं हमारी भूमि को तैयार करती हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो यहां पर उस मनुष्य के बारे में लिखा हुआ है जो अच्छी भूमि में बोया गया, वो ये है कि जो वचन को सुनकर समझता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कौन है अच्छा मनुष्य, कौन है अच्छा चुना हुआ? जो वचन को सुनकर समझता है। हालेलुया, समझकर उस पे चलता है। प्रेज द लॉर्ड, समझता है और फल लाता है। कैसे फल लाएगा? जब तक आप उस पे चलेंगे नहीं फल लाएंगे आप, जब तक आप काम नहीं करेंगे फल लाएंगे? समझ के अगर आप घर में ही बैठ जाएंगे कि मैंने यीशु के वचनों को समझ लिया और मैं घर में बैठ गया, मुझे सब कुछ आता है, फल आएगा? फल आएगा? नहीं आएगा। आप बैठे रहिए घर पे, अब नहीं, यीशु मसीह को जानता हूं मैं सर, मेरा उद्धार हो चुका है, मैं प्रभु को जानता हूं, लेकिन घर में बैठा हुआ। इसलिए वो कहता है यूहन्ना 15:16 कि तुमने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुम्हें चुना है, और चुना ही नहीं, सिर्फ चुनकर नियुक्त किया ताकि तुम जाओ और फल लाओ। उसमें एक शब्द जाओ नहीं है, जाओ लगाइए। नियुक्त किया है ताकि जाओ और फल लाओ, ताकि तुम्हारा फल बना रहे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब यहां पर तीन तरीके के फल की बात की गई है। फल लाता है कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। प्रेज द लॉर्ड, वचन कहता है कि वो मनुष्य अच्छा है, वो मनुष्य आज्ञाकारी है, वो मनुष्य जो समझता है वो फल लाता है। लेकिन उसमें भी कैटेगरीज हैं कि कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। क्यों लाता है? ये तीन कैटेगरीज क्यों दी गई हैं? जब आप समझते हैं तो आप पूरा फल लाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कोई 30 गुना क्यों लाएगा, कोई 60 गुना क्यों लाएगा, कोई 100 गुना क्यों लाएगा? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज मैं आपको बताऊंगा विश्वास के बारे में, क्यों आपके जीवन में कभी कभी फल कम आते हैं। प्रेज द लॉर्ड, तीन तरीके के विश्वास होते हैं। हालेलुया, ध्यान से आप लिख लीजिए, तीन तरीके के विश्वास होते हैं। हालेलुया, पहला विश्वास कि हमें विश्वास होना चाहिए कि वो है। हेलो, आप सुन रहे हैं? पहला विश्वास कि हमें विश्वास होना चाहिए कि वो है। इब्रानियों 11 का 6 क्या कहता है? बिना विश्वास के उसे प्रसन्न करना असंभव है। प्रेज द लॉर्ड, तो पहला विश्वास कौन सा हुआ? पहला विश्वास कौन सा हुआ कि विश्वास करना कि वो है। प्रेज द लॉर्ड, विश्वास करना कि वो है। दूसरा विश्वास कौन सा हुआ कि जो कुछ उसने हमें दिया है हमने ले लिया है। हेलो, शांत मत रहिए मेरे भाई। पहला दूसरा विश्वास कौन सा है कि जो कुछ उसने हमें दिया है हमने ले लिया है। दूसरा विश्वास क्या है कि जो कुछ, क्या क्या दिया उसने हमको, किसी को याद है उसने हमें क्या क्या दिया है? जब उसने हमको चुना उसने हमें क्या क्या दिया? प्रेज द लॉर्ड, क्या दिया? अपनी धार्मिकता दी। और क्या दिया है? और क्या धार्मिकता में आ गई ना, और नया मन दिया है, हमारी आत्मा को जिंदा किया है, यीशु का मन दिया है, हमारे अंदर से पत्थर का हृदय निकाल के मांस का हृदय डाल दिया है। प्रेज द लॉर्ड, और हमारे अंदर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उड़ेला है। प्रेज द लॉर्ड, ये कुछ हमें दिया है जो उसने, क्या वो हमने स्वीकार किया?
अगर स्वीकार किया तो हमारा विश्वास दृढ़ होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। तो दूसरा विश्वास क्या है मसीह के जीवन के लिए, कि जो कुछ उसने हमें दिया है वो हमने स्वीकार कर लिया है। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। आप लोग उत्साहित है कि नहीं है? ये विश्वास के बारे में जानना चाहते हैं कि नहीं जानते हैं? आप अपना चाहते जीवन बदले, मसीह जीवन आपका बदले, हालेलुया। तो इन तीन विश्वासों के बारे में जानिए, क्योंकि एक मसीह के लिए तीन विश्वास करना बहुत जरूरी है। ये तीनों विश्वास आपके अंदर होना जरूरी है, तभी आप मसीह हैं, तभी आप लड़ सकते हैं। पहला विश्वास कौन सा है? ये विश्वास करना कि वो है। दूसरा विश्वास क्या है? कि उसने जो कुछ भी हमें दिया है, नई सृष्टि में लेकर आया है, नया जीवन दिया है, नया मन दिया है, नई आत्मा की है, जो कुछ उसने दिया है वो हमने ले लिया है, वो हमारे अंदर है। प्रेज द लॉर्ड। एक लड़की की शादी होती है, एक कुमारी लड़की जो सपने देखती है उसकी शादी हो, अच्छा लड़का मिले। प्रेज द लॉर्ड। जिस दिन उसकी शादी होती है, साज श्रृंगार करती है, दुल्हन बनती है। प्रेज द लॉर्ड। और जब दूल्हा आता है, उसकी अंगूठी पहनाता है। प्रेज द लॉर्ड। और हमारे पास्टर, कोई भी पास्टर, वचन पढ़ते हैं कि आज से तुम इसकी पत्नी हो गई। प्रेज द लॉर्ड। क्या कहता है पासवान? आज से तुम इसकी पत्नी हो गई। ये एक वचन जैसे वो ग्रहण करती है उसका जीवन बदल जाता है। प्रेज द लॉर्ड। बदलता है कि नहीं बदलता है? वो कुमारी थी, उसमें मैच्योरिटी नहीं थी, उसके अंदर कोई भी वो नहीं था, एक दायित्व नहीं था। प्रेज द लॉर्ड। उसके ऊपर कोई भार नहीं था, लेकिन एक वचन ने, एक वचन कि आज से तुम फला फला भाई की पत्नी हो, इस वचन को जैसे ही उसने ग्रहण किया उसका जीवन बदल गया। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आदमी के लिए उल्टा है, जैसे कल मैं बता रहा था इनको। आदमी के लिए क्या है? आदमी पति बनकर मैच्योर नहीं होता है, वो बाप बनकर मैच्योर होता है। प्रेज द लॉर्ड। जैसे ही उस आदमी को पता लगता है कि 9 महीने के बाद जब देखता है अपने बच्चे को, और सिस्टर आगे कहती है, नर्स कहती है कि आप बाप बन गए, जैसे ही वो महसूस करता कि मैं बाप बन गया, उसका जीवन बदल जाता है। प्रेज द लॉर्ड। उसके अंदर मैच्योरिटी आती है, वो स्वीकार करता है। प्रेज द लॉर्ड। जब तक आप स्वीकार नहीं करेंगे, आप विश्वास करते हैं कि यीशु है, परमेश्वर है, लेकिन आपको यह विश्वास करना बहुत जरूरी है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है वो मेरे पास है। हालेलुया। ये दूसरा विश्वास है। और तीसरा विश्वास क्या है? मांगने का विश्वास, कि हम जो मांगेंगे हमें मिलेगा। हालेलुया। मत्ती 7:7, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, जो मांगेंगे वो हमें मिलेगा। लेकिन मांगने का जो विश्वास है, उसके उस विश्वास के साथ ये दोनों विश्वास भी होने चाहिए, तभी हमारा मांगना पूरा होगा। हम अगर ये विश्वास नहीं करते दूसरा कि जो हमें मिला है वो हमने ले लिया है, और हम सिर्फ मांगते हैं, तो हमारी मांग पूरी नहीं होगी। अगर हम ये नहीं विश्वास नहीं करते कि यीशु है, परमेश्वर है, और हम मांगते हैं, तो आपका, आपकी मांग हो सकता पूरी ना हो। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह क्या कहता है? कि तुम इस पर्वत से बोलोगे उठो, और उठकर समुद्र में जा गिरो, वो गिर जाएगा। कब गिरेगा? जब आप महसूस करेंगे कि मेरे अंदर जो परमेश्वर ने सामर्थ्य दिया है वो है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एक औरत जब मां बनती है, कैसे वो आपका विश्वास करती है कि 9 महीने के बाद मुझे ताकत है, मुझे सामर्थ्य है कि मैं बच्चे को जनूंगी। प्रेज द लॉर्ड। आदमी के पास वो चीज नहीं है, औरत को पता है कि जब बीज आया है इसको मैं जनूंगी। वो विश्वास है, और वो विश्वास ही उसे हर दिन हर पल उस बच्चे के संग रहने के लिए उसे उत्साहित करता है, और वो बच्चे को महसूस करती है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए बहुत जरूरी है, ये तीन विश्वास हमारे जीवन में होने बहुत जरूरी है। कि ये एक, पहला कौन सा विश्वास है? विश्वास करना के वो है। दूसरा विश्वास क्या है? जो उसने दिया है वो हमने ले लिया है, हमने ग्रहण किया। और तीसरा विश्वास, मांगने का विश्वास। लेकिन ये मांगने का विश्वास हम अकेला ही यूज नहीं कर सकते, ये दोनों विश्वास, हमारे तीनों विश्वास एक साथ होने चाहिए, तब हम जो मांगेंगे परमेश्वर हमें देगा। हालेलुया। लूका 8:22-25 के बीच में,
ये तीन विश्वास, अगर इन तीन विश्वासों के बारे में मेरी बहन आप समझ गए ना, असंभव को संभव आपका जीवन में होता हुआ देखेंगे आप डरेंगे नहीं, कोई भी चीज आपको डरा नहीं सकती मेरी बहन। आपके अंदर विश्वास ही आपको ज्योति देगा, आपका विश्वास आपको अंधकार से निकालेगा, आपका विश्वास आपको आशीष देगा, आपका विश्वास आपको बताएगा कि मैं कौन हूं, मैं आम इंसान नहीं हूं। बोली मैं आम इंसान नहीं हूं, मैं आम इंसान नहीं हूं, मैं मसीह का पुत्र हूं, मैं सामर्थी हूं। Praise the Lord. हमें अपने आप को जानना है कि मैं क्या हूं। मुझे बीमारी डरा दे, मुझे मेरी मुसीबत डरा दे, मुझे मेरे पेट का दर्द डरा दे, तो मुझ में और आम इंसान में फर्क क्या हुआ। हेलो, एक दुष्टात्मा अगर आगे खड़ी होकर कहती है कि मैं आपका रास्ता रोक लूंगी, आप नहीं जा सकते, और अगर आप चुप हो जाते हैं, इसका मतलब आप मसीह नहीं है। आपके पास सामर्थ है, दुष्टात्मा निकल यहां चल निकल। कोई भी मुसीबत आपके साथ, बस वो सामर्थ को महसूस करिए, वो आपके अंदर है। 8:22-25 पढ़िए। फिर एक दिन वह और उसके चेले नाव पर चढ़े और उसने उससे कहा आओ झील के पार चले, अतः उन्होंने नाव खोल दी, पर जब नाव चल रही थी तो वह सो गया, और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और वे जोखिम में थे। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा स्वामी स्वामी हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी को और पानी को, पानी की लहरों को ताटा और वे थम गए और चैन हो गया। तब उसने उनसे कहा तुम्हारा विश्वास कहाँ था, पर वे डर गए और अचंभित होकर। बस हालेलुया, क्या पूछा यीशु मसीह ने, तुम्हारा विश्वास का, यहाँ किस विश्वास की बात हो रही है, दूसरा विश्वास। तुम्हें जो मैंने विश्वास दिया था, तुम्हें जो मैंने सामर्थ्य दिया है, तुम्हें जो मैंने नया किया है, तुम्हें जो मैंने नई सृष्टि में रखा है, वो कहां है वो सामर्थ्य। यहां किस विश्वास की बात हो रही है, वो सामर्थ्य जो परमेश्वर दे चुका है यीशु मसीह में। जैसे ही आप आते हैं, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आपके अंदर आ जाता है। हालेलुया, आप पहले जैसे नहीं रहते हैं, आप बदल जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह ने जब आपका बोलिए आपका बैप्टिज्म लिया, क्या हुआ, स्वर्ग खुला और पवित्र आत्मा आया। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप बपतिस्मा लेते हैं, उसी तरीके से जैसे यीशु मसीह के साथ हुआ था, स्वर्ग खुलता है और पवित्र आत्मा हम पर उतरता है। लेकिन कब, जब हम सच्चा बपतिस्मा लेते हैं, देखा देखी नहीं, पूरी गहराई से पश्चाताप करते हुए, पूरी ईमानदारी से मरते हुए। इसलिए कुलुसियों 3:3 क्या कहता है, तुम मर गए हो। प्रेज़ द लॉर्ड, तुम मर गए हो, तुम्हारा जीवन यीशु में है। मैं मरा हूं, मेरा जीवन कहां है, यीशु में। वो जीवन जो सामर्थी है, वो जीवन जो अनंत काल का है, वो जीवन जो पवित्र है। इसलिए यहां पर किस विश्वास की बात हो रही है, उस विश्वास की बात हो रही है जिसमें सामर्थ था आंधियों को निकालने का। यहां उस विश्वास की बात हो रही है जिनके पास सामर्थ था हवाओं को रोकने का। Praise the Lord, उस विश्वास की बात हो रही है। अगर आपके पास वो विश्वास है तो आप इशारों में सामर्थ, आप इशारों में उस जैसे कि यीशु मसीह ने किया, आप आंधियों को रोक सकते हैं, अपनी मुसीबतों को निकाल सकते हैं। जिसके इशारे से तूफान रुकते हैं, जिसके इशारे से लहरें यूं थमती हैं, जिसके इशारे से हवा रुख बदलती है, वो है यीशु मसीह, वो है यीशु मसीह, वो है यीशु मसीह, वो है यीशु मसीह। बोलिए वो है यीशु मसीह, वो है यीशु मसीह, वो है यीशु मसीह, वो है यीशु मसीह। जिसकी महिमा गाने से शैतान डरता है, जिसके नाम से
जिसके नाम लेने से स्वर्ग धरती पे मिलता है। हालेलुया, जिसके नाम से ही जमीन पे स्वर्ग हमको मिलता है, वो है यीशु मसीह, 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 वो यीशु मसीह है। इसलिए वो विश्वास उसने हमको दिया जिसके नाम लेने से आंधियां रुक जाती हैं, जिसके नाम लेने से तूफान डर के भागते हैं, जिसके नाम लेने से शैतान कपकपाता है। वो विश्वास परमेश्वर ने अपने चेलों को दिया था और वही विश्वास यीशु ने हमको दिया है। हालेलुया। अब अगर इस जगह पर हम विश्वास, पहला वाला विश्वास, अगर हम इस जगह पर तीसरा विश्वास मांगेंगे, हम क्या करते हैं, हम तीसरा विश्वास यूज करते हैं। ध्यान सुनिए, आपके जीवन में तूफान आता है, आंधी आती है, डगमगाती है आपकी नैया, भवंडर आ जाता है, कर्जे आ जाते हैं, कल ही आपको घर छोड़ना है। प्रेज द लॉर्ड, आप विष्णु मसीह को मानते हैं, आपने बपतिस्मा लिया है, लेकिन आप तीसरा विश्वास यूज करते हैं। कौन सा विश्वास? मांगने का। कौन सा विश्वास यूज करते हैं आप? मांगने का। हे प्रभु दया कर, इस शैतान को मेरे सामने से निकाल दे, हे परमेश्वर दया कर, ये मुसीबतों को निकाल दे मेरे अंदर से, मेरे सामने से निकाल, मेरे कर्जे निकल जाए, बीमारियां निकले, हे परमेश्वर। वो विश्वास बेकार है। उस समय आपको उस विश्वास की जरूरत नहीं है, यीशु ने आपको सामर्थ दिया है। आपका विश्वास होना चाहिए कि अगर जो आपके जीवन में बीमारी आए, बीमारी यीशु मसीह के नाम से निकल। मुसीबत यीशु मसीह के नाम से निकल। आप अगर तीसरा जो मांगने का विश्वास है अगर वो यूज करेंगे, अरे परमेश्वर ने आपको दे दिया है। हेलो, परमेश्वर ने आपको सामर्थ दे दिया है, परमेश्वर ने आपको आत्मिक क्षेत्र में बड़ा बसा दिया है। प्रेज द लॉर्ड। अभी वो आपको देने वाला नहीं है। अब आप मांगेंगे दुश्मनों को मेरे पास से निकाल, शैतान को निकाल, अरे शैतान है ही नहीं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने आपको पवित्र किया और आपको वाचा में बांध दिया, बाड़ा बांध दिया आपके चारों तरफ। अब आपके चारों तरफ, आपके जीवन में शैतान नहीं है, लेकिन आप कहते प्रभु शैतान से बचा। अरे शैतान है ही नहीं, तू शैतान को बुला रहा है। प्रेज द लॉर्ड। देखिए परमेश्वर कहता है कि हमें यह जानना जरूरी है कि कहां पर हम कौन सी चीज उपयोग करें, किस विश्वास को हम उपयोग करें, कौन से विश्वास को हम उपयोग करें। हम सामर्थ्य, हम अपने सामर्थ्य को कैसे पहचानेंगे। प्रेज द लॉर्ड। अभी आपका बच्चा मान लो खो जाता है, कहीं चला जाता है, छोटा बच्चा है, 10, 11, 12 साल का है, लेकिन उसको आपका नाम भी पता है, आपका एड्रेस भी पता है, आपका फोन नंबर भी पता है, सब कुछ पता है, और वो भटक गया, बेचारा पिछड़ गया। प्रेज द लॉर्ड। अब वो मिल नहीं रहा, अब वो अंकल से कह रहा, अंकल मेरी मम्मी कहाँ है, आंटी मेरी मम्मी कहाँ है, मेरी मम्मी, मेरी मम्मी, मेरी मम्मी। प्रेज द लॉर्ड। जब वो आपसे मिलेगा तो आप कहेंगे, बेटा तुझे फोन नंबर याद था ना, तुझे फोन क्यों नहीं किया तूने हमको, हेलो तुझे घर का एड्रेस पता था ना, तो क्यों नहीं बताया तूने, तूने मम्मी का याद, मम्मी का नाम याद था ना, क्यों नहीं लिया मम्मी का नाम। प्रेज द लॉर्ड। आप आंटी का पल्लू पकड़ रहे हैं, अंकल की पैंट पकड़ रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। वो बेचारा बेचारा कहीं उतर ना जाए। हालेलुया। जब बच्चे पैंट पकड़ते हैं ना, छोड़ते नहीं है, अगर उनकी मम्मी मुझे सामने ना हो, पकड़ लेंगे, तो ये आदमी है, यही दिलाएगा मेरे मम्मी पापा का पद। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु कहता है कि आपको अपने अधिकारों को यूज करना है। आप जान गए आपका आपका प्रभु कौन है, यीशु। आप जान गए कि मुर्दों को जिंदा करने वाला यीशु है, मुर्दों पर वो उसने विजय हासिल की है, अधलोक की कुंजियां उसके हाथ में है। प्रेज द लॉर्ड। और मुझे परमेश्वर ने विश्वास दिया है, मुझे किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है,
मुझे उस विश्वास का उपयोग करना है जिसमें मुझे पता है कि मैं बन। आप क्यों नहीं ये करते हैं? क्योंकि आपको अभी भी यकीन नहीं है कि आप परमेश्वर ने जो दिया है वो आपको मिल गया है। आपको यकीन नहीं है। कुलुसियों 1:22, आपको यकीन नहीं है। आप अभी भी पुराने नियम में हैं, अभी भी पुरानी सृष्टि में हैं, पुराने मनुष्यत्व में हैं। आप जान ही नहीं पा रहे, आप विश्वास ही नहीं कर रहे कि नहीं यार मैं पवित्र हो चुका हूं, नहीं यार मैं सामर्थी बन गया हूं, मैं जो बोलूंगा वो होगा। प्रेज द लॉर्ड। मूसा को परमेश्वर ने चुना था। मूसा डर की वजह से मिदान शहर में रहा 40 साल, वो अपना नाम भूल गया था। परमेश्वर आया जलती झाड़ी में, उसने बताया मूसा। परमेश्वर ने मूसा को मूसा से मिलवाया कि तू चुना हुआ है, तू क्या कर सकता है तू जानता नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। तुझे मैंने किसके लिए चुना है तू जानता नहीं है। हेलो, परमेश्वर ने आपको किसके लिए चुना है आप जानते नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हम कब उस सामर्थ्य को जो हमारे अंदर है वो पवित्रता को हम कब यूज करेंगे? जब हम महसूस करेंगे कि यस मैं पवित्र हूं, मैं सामर्थी हूं। कुलुसियों 1:22, उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने शरीर की मृत्यु क्यों ली? यीशु मसीह ने वो शरीर की मृत्यु लेकर वो सजा जो आपकी थी, वो मजदूरी जो आपकी थी, वो उसने ली। उसने अपना जीवन गंवा दिया, सारी सजाएं आपकी ले ली। आपको क्या दिया उसने? पवित्रता, निष्कलंकता, निर्दोषता। ये तीन चीजें आपके जीवन में सामर्थ्य पैदा करती हैं। उसने दे दी हैं ताकि आप उसके सामने जब भी आए आपके अंदर पवित्रता होनी चाहिए, आपके अंदर निर्दोषता होनी चाहिए, निष्कलंकता होनी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। जब भी आप आए क्या महसूस करते कि मैं पवित्र हूं, मैं निर्दोष हूं, मैं निष्कलंक हूं? नहीं महसूस करते। देखिए, कहने और करने में बहुत फर्क है, क्योंकि वो पवित्रता आप में दिखनी चाहिए। आपकी निर्दोषता आप में प्रदर्शित होनी चाहिए, आपके बैठने में, उठने में, बोलने में। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका रिएक्शन वाइल्ड नहीं होना चाहिए, दिखना चाहिए कि मैं पवित्र हूं। किससे पवित्र हुए आप? हर चीज से, हर चीज से मैं शुद्ध हो चुकी हूं। घमंड से, स्वार्थ से, नफरत से, क्षमा ना करने की भावना से। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि आप में वो पवित्रता है, इसीलिए परमेश्वर ने आपको चुना है और आपको वो चीज दी है। तो आपको उस चीज को महसूस करना कि यस मेरे अंदर है। हालेलुया। आपका छोटा बच्चा कोई गलती करता है, आप उसे मारते हैं, डांटते हैं, फिर 2 मिनट के बाद बच्चा आपके गले लग जाता है। मेरा बेटा अभी भी डांटता है, मार खाता है, फिर भी पापा मम्मी चुम्मा चाटी करने लगता है। अरे मैंने कहा तुझे शर्म नहीं? अभी तो तूने गलती की थी। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि वो पवित्र है, उसमें पवित्रता है, इसलिए उसमें ले लपट नहीं है कि नहीं नहीं अच्छा मम्मी ने डांटा, अब मैं 6 महीने तक बात नहीं करूंगा, मम्मी को बताऊंगा। नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यीशु मसीह ने हमें पवित्र, निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित किया है, इसलिए हमारे अंदर जो हमारा विश्वास है, दूसरा विश्वास जो मैंने बताया कि सारी चीजें जो परमेश्वर ने हमें दी हैं हमने उसको ले लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। मरकुस 16:17-18, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। 17वां
विश्वास करने वाले में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्टात्मा को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। या किस विश्वास की बात हो रही है? क्या मांगने वाले विश्वास की? नहीं। हम तो सिर्फ एक ही विश्वास को जानते हैं, मांगना। हमने सीखा कि भाई यीशु मसीह के नाम से मांगो, अपनी नौकरी के लिए मांगो, धंधे के लिए मांगो, मांगो मांगो। या कौन से विश्वास की बात हो रही है? दो नंबर है। वो विश्वास होगा, सत्रवा निकाल, सत्रवा 17। और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। कौन सा विश्वास करने वालों में? वो विश्वास करने वालों में कि वो जो कहेंगे नहीं, मैं यीशु का ही हूं, यीशु का सामर्थ्य मेरे अंदर है, यीशु की पवित्रता मेरे अंदर है, यीशु की निष्कलंकता मेरे अंदर है, यीशु की आत्मा मेरे अंदर है, यीशु की धार्मिकता मेरे अंदर है। जब आप इस विश्वास के संग जिंदगी जिएंगे तो क्या कहता है, क्या क्या चिन्ह होंगे? वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। तब आप उसके नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। सिर्फ कलीसिया आना, बाइबल पढ़ना, मजबूरी में दान दशांश देना नहीं, चर्च में झाड़ू लगाते लगाते सोचना कि ये सामने वाला क्यों नहीं कर रहा, ये क्यों नहीं कर रहा, आज उसने नहीं किया मैं अगली बार नहीं करूंगा, नहीं, कैसे मैं ही करूं? यीशु मसीह आके पूछेगा, तुझे ही लेके जाऊं? तुझ में ऐसा क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड। अरे प्रभु, मैंने आपके लिए झाड़ू लगाई थी, अब पोछा लगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि दिल से नहीं है, क्योंकि वो पवित्रता, वो निष्कलंकता नहीं है जिसमें धैर्य होता है, जिसमें धीरज होता है। धीरज को अपना काम करने दो। मैं कलीसिया में हूं, मैं नई सृष्टि में हूं। प्रेज द लॉर्ड। हर चीज धैर्य से, क्योंकि धैर्य ठहराव लेकर आता है, धैर्य आपको खरा बनाता है। याकूब की पत्री 1:3-5 पढ़ेंगे तो आप, परमेश्वर कहता है कि तुझमें धैर्य होना चाहिए। वो चाहता है कि मैं तुझे विभिन्न परीक्षाओं में जब डालता हूं तो आनंद की बात समझ, क्योंकि वो चाहता है आपको सिद्ध बनाना, संपूर्ण बनाना। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए वो कहता है धैर्य की बात है, इसलिए वो कहता है नई नई भाषाएं बोलेंगे। कब बोलेंगे नई नई भाषाएं? आप महसूस करिए, आप महसूस करिए। प्रेज़ द लॉर्ड। एक दुल्हन जब महसूस करती है कि मैं अब कुंवारी नहीं रही, मैं दुल्हन हो गई हूं, उसमें मैच्योरिटी आ जाती है। वो एक ही रात में किसी के लिए बीवी, किसी के लिए भाभी, किसी के लिए बहू, किसी के लिए चाची, किसी के लिए मामी, एक ही रात में हो जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। और एक ही रात में सब उससे बहुत कुछ उम्मीद करते हैं, करते कि नहीं करते? नहीं, आज तो भाभी के हाथ का खाना बनाएंगे, आज तो भाभी मुझे चाय पिलाएंगे, और वो बनाती है। उसके अंदर मैच्योरिटी आ गई, नहीं मैं धर्म पत्नी हूं। प्रेज द लॉर्ड। एक वचन ने उसको जीवन दे दिया, नया रूप दे दिया, नया नाम दे दिया। इसलिए वो कहता है वचन को ग्रहण करो। हे मेरे पुत्र, 4:20-21, हे मेरे पुत्र वचन को ग्रहण कर, निधि वचन, और उस पर कान लगा, तब तू मेरे दिए हुए सामर्थ को अपने अंदर रख पाएगा। इसलिए वो कहता है मनुष्य वो है, अच्छी भूमि का मनुष्य कौन है? जो फल लाता है। लेकिन कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना। क्यों? क्योंकि आप सामर्थ को जानते हुए, आप अपनी शक्ति को जानते हुए भी वैसी चाल नहीं चल रहे। इसलिए किसी के जीवन में 30% होता है, किसी के जीवन में 60% होता है। मनुष्य वही है। तीनों ने सुसमाचार सुना, तीनों ने परमेश्वर को जाना, तीनों ने सामर्थ को समझा, लेकिन जब यूज करने की बारी आई
तो किसी ने 30 गुना यूज किया, 60 गुना यूज किया, 100 गुना यूज किया। देखो जितना बोगे उतना ही मिलेगा। हेलो, जितना बोगे, 10 रुपए बोगे तो 10 रुपए ही मिलेंगे, 58 बोएंगे तो 58 ही मिलेगी, जैसा बोगे वैसा ही काटोगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कई लोग प्रभु में फ्री फंड में न कुछ भी नहीं करते, वो बैठे हुए बस आशीष ले रहे हैं, चंगाहियां ले रहे हैं, आशीष ले रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। कब तक बिजली यूज करते रहोगे बिना बल दिए? कब तक बिजली यूज करोगे बिना बिल दिए? आप लोग बिल देना नहीं चाहते, बिजली यूज करना चाहते। मेरे अंदर आज एक, मेरा घर पूरा बिजली से भरना चाहिए। अरे बिल तो दो, हालेलुया। बिल तो इशू देगा ना, वो तो इशू दे चुका है। नहीं मेरे भाई, बिल आपको भी देना है। प्रेज द लॉर्ड। उसके प्यार का बिल देने में सामर्थ है, लेने में नहीं है। लेने में नहीं है, देने वाला बनिए, देने वाला बनिए। उसको बोलिए प्रभु मैं देना चाहता हूं, मैं देनी चाहती हूं अपने जीवन, अपना समय, अपनी बुद्धि, अपना काम, अपना पैसा, अपनी नियत, मैं देना चाहता हूं। जिस दिन आपका विश्वास मुकम्मल होगा मेरी बहन, 100% आप काटेंगे फसल। प्रेज द लॉर्ड। इसाक ने क्या किया था? उत्पत्ति 26:1-12 क्या किया था इसाक ने? परमेश्वर इसाक के लिए देखिए विश्वास क्या था। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। ध्यान देखिए इसाक का पढ़िए, मैं बताऊंगा फिर आपको दोबारा। यहां तीन विश्वास की बात हो रही है, उत्पत्ति 26:1-12 जल्दी पढ़िए। उस देश में अकाल पड़ा, उस देश में अकाल पड़ा, यह उस पहले अकाल से अलग था, ये उस पहले अकाल से बहुत अलग था जो इब्राहिम के दिनों में पड़ा था। ध्यान दीजिए, पढ़िए। इसलिए इसाक गरार को पलिस्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। आमीन। आगे वहाँ यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश में तुझे बताओ उसी में रहे। आगे तू इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा और ये सब देश में तुझे को और तेरे वंश को दूंगा और जो शपथ मैंने तेरे पिता इब्राहिम से खाई थी उसे मैं पूरी करूंगा। बारवा। इसी का बारवा। फिर इसाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। इसाक ने क्या किया? उसी भूमि पर जहां पानी नहीं था, जहां गड्ढे हो गए थे, जहां पर पत्थर ऊपर आ गए थे, सब लोग मिस्र छोड़ के जा रहे थे, लेकिन उसके पास विश्वास था। अभी यहां पर बताइए, यहां पर कौन सा विश्वास था उसके पास? पहला, दूसरा, तीसरा, कौन सा विश्वास था उसके पास? दूसरा। नहीं, पहला। कौन सा विश्वास? कि वो है। इब्राहिम के पास कौन सा विश्वास था? वो है। सामर्थ हमें दिया है यीशु मसीह ने। क्या कहा यूहन्ना 14:12 कि तुम मुझसे भी बड़े काम करोगे। कैसे? क्योंकि जब तुम उस सामर्थ को, उस विश्वास को यूज करोगे जो परमेश्वर ने तुम्हें दिया है, तभी करोगे, नहीं तो नहीं करोगे। इसीलिए यीशु मसीह सो गए कि मेरे बच्चों के पास सामर्थ है, तूफान आएगा, बारिश होगी, ये डांटेंगे ना। लेकिन हम अभी हद तक बच्चे ही बने हुए हैं। प्रभु प्रभु प्रभु, आप अपने आप को बड़ा बनाना नहीं चाहते? प्रेज द लॉर्ड। इसाक के पास कौन सा विश्वास था? कि वो है, मेरा परमेश्वर है, उसने जो कहा है उसका जो कहता है वो होता है। इसलिए उसने कहा है मिस्र देश नहीं जाना, यहीं पर करो, और वो उसी भूमि को जोतता रहा। सोचिए, लोग उसे पागल समझ रहे होंगे,
हम लोग जा रहे हैं मिस्र और ये अकाल की भूमि को जोत रहा है, लेकिन बाइबल ने कहा उत्पत्ति 26:12 कि वो अभिमेलेक से भी ज्यादा अमीर हो गया, वहां के राजा से भी एक ही साल में। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर पर विश्वास करके जो उसने कहा था वो करता रहा। अकाल की भूमि में, मेरी बहन, परमेश्वर आपको शून्य से उठाने वाला है। उसको वो कहता है तुम गिरो, मैं तुम्हें उठाऊंगा, लेकिन हम गिरते हैं और हम दिखाते हैं कि नहीं, हम गिरे हुए नहीं, हम तो उठ जाएंगे अपने आप। प्रभु से बोलिए कि प्रभु मैं शून्य हूं, प्रभु मैं कुछ नहीं कर सकता। परमेश्वर आपको बुद्धि देगा, परमेश्वर आपको समझ देगा। मुझे वचन समझ में नहीं आते प्रभु, मुझे बताइए, प्रभु देगा आपको। प्रेज द लॉर्ड। जब आप ससुराल जाती हैं, ये ससुर से कैसे बात करनी है, आप प्रार्थना करती हैं ना, सास से कैसे बात करूं, ससुर से कैसे बात करूं, देवर से कैसे बात करूं, इससे कैसे बात करूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर कहता है मांग मैं तुझे दूंगा। इसलिए इसाक के पास कौन सा स्वभाव था, कौन सा विश्वास था, परमेश्वर है, हालेलुया। दूसरा पत्रस 1:1, एक यहां पर एक और विश्वास की बात हो रही है, दूसरा पत्रस 1:1 और उसके बाद एक्स 3:3-7 प्रेरितों का काम, दूसरा पत्रस 1:1, शमौन की ओर से जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता से हमारा सा बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। कौन सा विश्वास है ये? बहुमूल्य विश्वास। वो सबके लिए बोल रहा है, आपके लिए बोल रहा है। जैसा विश्वास पत्रस के पास था, वैसे विश्वास किसके पास है? मेरे पास। बोलिए मेरे पास है, मेरे पास वही विश्वास है। अंगीकार करिए, मेरे पास वही विश्वास है जो पत्रस के पास था, जो याकूब के पास था, जो पौलुस के पास था। प्रेज द लॉर्ड, मेरे पास वही बहुमूल्य विश्वास है। हालेलुया। प्रेरितों का काम 3:3-7, मेरे पास वही विश्वास है। कौन सा विश्वास है? देखिए एक्स 3:3-7, जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा, एक वहां पर लंगड़ा था जो 40 साल से वहां पर था। बाइबल बताती है 40 साल का वो आदमी था और 40 साल से उस मंदिर में बाहर बैठकर भीख मांगता था। उसने देखा यूहन्ना और पतरस को अंदर जाते हुए। सोचिए आगे, जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान देकर कहा, हमारे ओर देख। अतः वह उसके कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। क्या था उसके पास? वो सामर्थ जो उसने दिया था यीशु मसीह ने, जो उन्होंने बाद में पहचाना, वो सामर्थ था उसके पास। वो सामर्थ जो उसके पास था वो हमारे पास है। हालेलुया। वो सामर्थ जो पतरस के पास था, उसने कहा मेरे पास सोना चांदी नहीं है, लेकिन मेरे पास सामर्थ है। मेरे भाई, आपको पता होना चाहिए कि आपके पास क्या है। पता होना चाहिए कि आपके पास क्या है। आप यहां पर आते हैं, आप क्या है, आप कौन है यीशु मसीह में, आपके पास कौन सा सामर्थ है, पता होना चाहिए। मत्ती 16 में जब यीशु मसीह अपने चेलों के संग जा रहे थे, उन्होंने पूछा चेलों से कि लोग क्या कहते हैं मेरे बारे में। किसी ने कहा कि आपको एलिया कहते हैं, किसी ने कहते हैं वो नबी कहते हैं जो फिर से जिंदा हो गया है, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। यीशु मसीह ने क्या पूछा कि तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या यीशु मसीह को पता नहीं था कि वो कौन है?
क्यों पूछ रहे थे चेलों से? क्यों पूछ रहे थे? आपको पता होना चाहिए कि यीशु कौन है। अगर आपकी जानकारी, अगर आपका ज्ञान यीशु मसीह के लिए मुकम्मल है कि यीशु वो है जो सर्वशक्तिमान है, यीशु वो है जिसके पास धरती और स्वर्ग का अधिकार है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु आपसे पूछता है मैं कौन हूं? यीशु को आपको पता होना चाहिए कि यीशु मसीह कौन है, मैं किसके लिए आ रही हूं यहां पर, तब वो सामर्थ आपके जीवन में काम करेगा। प्रेज द लॉर्ड। जब आपका, देखिए परमेश्वर ने आपको सामर्थ क्यों दिया है? ताकि आप अपने अधिकारों को जाने। हेलो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक औरत को पत्नी बनाकर उसको श्रृंगार करते हैं, एक रीति से निकालते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हिंदू लोग फेरे लेते हैं, क्रिश्चियन लोग अंगूठी पहनाते हैं, जो पास्टर हैं प्रार्थना करते हैं। ये रीति से क्यों? क्या विश्वास से नहीं? क्योंकि रीति बताती है कि अब उसके पास अधिकार आ गया है, आपको अधिकार दे रहा है वो। प्रेज द लॉर्ड। आपके जो कोख में बच्चा है उसे आप 9 महीने जो पाल रही हैं, ताकि वो आपका आधार, आपको अधिकार दे रहा है वो। आपके पास अधिकार होना चाहिए। यीशु मसीह सामर्थ क्यों दे रहा है? ताकि आप उसका उपयोग करें। प्रेज द लॉर्ड। जब रूपांतरण के पहाड़ से नीचे आए यीशु मसीह, वहां पर एक बाप खड़ा हुआ था जिसका बेटा मिर्गी की बीमारी से ग्रसित था। वो इसके पास आए, यीशु मसीह के पास। चेले खड़े हुए थे, सारे चेले, 9 चेले खड़े हुए थे, यूहन्ना, याकूब और आपका पतरस उनके साथ थे। वो बाप आया कि यीशु मेरे लड़के को ठीक कर दे। क्या हुआ? इसको मिर्गी की बीमारी है, इसके अंदर दुष्टात्मा है, कभी इसको आग में लेके जाती है, कभी पानी में लौटाती है, इसका जीवन खतरे में, लेकिन मैं तेरे चेलों के पास आया लेकिन ये नहीं कर सके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या कहा यीशु मसीह ने? हे अल्पविश्वासी और हटीली पीढ़ी, उसने क्या कहा? हटीली हो तुम लोग, तुम लोग सीखना नहीं चाहते हो, तुम लोग महसूस करना नहीं चाहते हो। आज भी जो लीडर्स हैं, अगवे हैं, हटीले हैं, नहीं, जितना आ गया बस बोल बोल के थक जाओ, दीवारें सुनेंगी वो नहीं सुनेंगे, हटा हटीले। यीशु मसीह ने क्या कहा? अल्पविश्वासी हटीली पीढ़ी, कब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा? हटीले, हटीलापन कौन लाता है? शैतान। अगर आपके अंदर हटीलापन आता है, जिद्दीपन आ रहा है, समझिए शैतान आपके जीवन में काम कर रहा है, और यह शुरुआत है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए उनका सामर्थ काम नहीं कर पाया। उसके पास जो सामर्थ था क्यों नहीं काम कराया? विश्वास नहीं है कि मेरे पास है, मुझे परमेश्वर ने दिया है। क्या यीशु मसीह ऐसे ही भेज देगा चेलों को? उसको पता है कि ये लोग क्या है, हां जाओ, परमेश्वर के राज्य की खबर दो, सुसमाचार सुनाओ और बीमारों को चंगा करो, जाओ। प्रेज द लॉर्ड। अपने साथ रुपया, अपने साथ पैसा, अपने साथ कपड़ा, लाठी, कुछ भी लेके मत, सिर्फ एक लाठी लेके जाओ, कुछ लेकर मत जाओ। क्यों? क्यों कहा यीशु मसीह नहीं है? क्यों कहा यीशु मसीह ने? क्योंकि रुपया, ये कपड़ा, ये आपका ध्यान बटोरती है। आपके पास रुपया होगा, आप सोएंगे किसी घर में, आप देखेंगे अपने रुपया को, आपका ध्यान प्रभु में नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए उसने कहा रुपये की चिंता मत करो, मैं दूंगा तुम्हें, क्या खाना तुम पाओगे, तुम जिस घर में जाओ उसी घर में रहो और उसके लिए शांति की प्रार्थना करो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर आपको बताता है कि मैं कौन हूं,
आपको ये जानना है और हर पल जानना कि मैं कौन हूं, आप कौन हो यीशु मसीह, आप कौन हो यीशु मसीह, मेरा परमेश्वर का पुत्र है। आपको अपने आप को बताना होगा हर पल हर क्षण। तब उसने जाकर कहा कि मेरे पास क्या है, मेरे पास जो चीज है मैं देता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना विश्वास था उस पतरस के पास कि मैं बोलूंगा और ये उठेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे पास जो सामर्थ है मैं उस सामर्थ को रिलीज करूंगा और ये उठेगा। इसलिए उसने कहा मेरी आंखों में देखो, ए भाई लंगड़े मेरी आंखों में देख, ताकि संसार से हट और मेरे पास आ। संसार से अपनी आंखें निकाल, अपनी बुद्धि को मेरी, अपनी आंखों को मेरी आंखों में लेकर आ। यीशु को जान, यीशु को समझ, यीशु को अपने मन में ला। चलो उठ। Praise the Lord। मेरे पास जो कुछ है वो मैं तुझे देता हूं और जो कुछ है वो तुझे आशीष देगा। Praise the Lord। इसलिए वो कहता है इब्रानियों 11 का एक, विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जो चीज आपने आशा की है निश्चय वो मिलेगी मेरी बहन। लेकिन आपको विश्वास करना है कि जो परमेश्वर ने आपको दिया है वो आपके पास है। Praise the Lord। पहले आप परमेश्वर की अमानत तो संभालिए। उसने अपनी आत्मा दी है। Praise the Lord। अगर आप अपनी सहेली का बच्चा, आप अपने बच्चे को एक किसी सहेली के पास गए कि बहन ये मेरा बच्चा ले लो और मैं रात को आऊंगी। Praise the Lord। मैं विश्वास करता हूं कि आप अपने बच्चे से ज्यादा उसको देख रेख करेंगे। नहीं नहीं यार मेरी कहीं रोई नहीं, अरे जो मांगे इसको दे दो। Praise the Lord। क्योंकि वो मेरी बहन, मेरी जो सहेली है उसकी अमानत है। पवित्र आत्मा कौन है? परमेश्वर की अमानत है। उसने आपको दी है, उसके अनुसार काम करिए, उसके लिए जिए। वो पवित्र आत्मा है, मुझे उसके लिए जीना है। Praise the Lord। तब आप पाएंगे। इसलिए विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय है। जो आप मांगेंगे मेरी बहन आपको मिलेगा। लेकिन अपने अंदर ये तीन विश्वास लेकर चलिए। चौथा विश्वास नहीं है, तीन विश्वास। संसार आपको कमजोर करेगा कि नहीं एक नहीं और भी हैं। Praise the Lord। हालेलुया। लुका 1:48। अब एक विश्वास के बारे में हम और देखेंगे। यहां पर मरियम है जो कुमारी थी, जिसकी जोजो से शादी होने वाली थी। Praise the Lord। हालेलुया। उसको जिब्राइल दूत ने क्या कहा कि तू कुमारी मां बनेगी। Praise the Lord। पवित्र आत्मा तुझ पर आच्छादित होगा। हेलो, सोचिए कि आज तक कभी कोई कुमारी मां बनी थी? Praise the Lord। कोई भी औरत कुमारी मां बनी थी आज तक बिना किसी के संबंध से? नहीं बनी थी। उसने विश्वास किया। Praise the Lord। ये वचन हमें क्या बताता है? ध्यान सुनिए, ये वचन क्या बताता है? इस समय वो कंसीव कर रही थी, उसकी दीनहीन दशा पर कृपा हो रही थी। हालेलुया। क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि कर दी है। मुझे मां बना दिया है। मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने रिसीव कर लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप प्रभु को रिसीव करें आपको महसूस होना चाहिए। उसने महसूस किया कि मैं जो दीन थी मैं किसी काबिल नहीं थी। हम क्या है? हम किसी योग्य हैं? कहीं योग्य नहीं। मरियम कहती मैं कुछ भी नहीं थी, मैं कुछ नहीं थी, मैं कुछ नहीं हूं।
लेकिन परमेश्वर का उद्धार करता मेरी कोख में आया। परमेश्वर ने, उसने मेरी दीनहीन दशा से मुझे निकाला और युगों युगों तक मुझे आशीष दे दिया। Praise the Lord. 47 इसका पहला, और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई। 49 क्योंकि उस शक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं, उसका नाम पवित्र है। Amen. Amen. बड़े बड़े काम किए उसने। कौन सा बड़ा काम किया? इससे बड़ा कोई काम हो सकता है? एक कुमारी को मां बना दिया। उस पिता परमेश्वर ने बहुत बड़े बड़े काम किए। क्या काम किया? आप पापी को पवित्र बना दिया। हम पापियों को पवित्र बना दिया, हमारे पापों को अपना लिया, शुद्ध कर दिया, हमें अपना पुत्र बना लिया उसने। इससे बड़ा काम और क्या होगा मेरे भाई? हालेलुया। उसने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं, ये अंगीकार किया मरियम ने। वो जब बड़ा काम उसके जीवन में हुआ, उसने अंगीकार किया। क्या आप लोग अंगीकार करते? अंगीकार करिए, रोज सुबह अंगीकार करिए, घुटने टेक के धन्यवाद दीजिए, उसे बताइए कि मैं दीन थी, मैं शून्य थी, तूने मुझ पर कृपा की और मेरे जीवन में बड़े काम किए, क्योंकि मुझे चुन लिया, तूने मेरा नाम अपनी हथेली पर लिखा। हालेलुया। तूने मेरे सर के बालों की गिनती की, तूने मुझे अपनी आंखों की पुतली बना लिया। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम स्वर्ग में लिखा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। इतने बड़े काम तूने मेरे लिए किए हैं। दुनिया के सामने अंगीकार करिए मेरी बहन, अपने आप आपकी बीमारी, आपका दुष्टात्मा अपने आप निकलता जाएगा। अपने आप निकलेगा। अपने घर में उसके लिए धन्यवाद दीजिए ब्रदर। बच्चे को अपने आप चंगाई मिलेगी। अपने आप धन्यवाद दीजिए। यीशु है, परमेश्वर है। यीशु के कोड़े खाने से मेरा बच्चा चंगा हो चुका है। विश्वास करिए, इस वचन को अपने जीवन में उतार लीजिए। यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। हालेलुया। उस चंगाई को महसूस करिए, उस वचन को महसूस करिए जो आपके अंदर है। इसलिए उसने कहा कि मेरे लिए बड़े बड़े काम किए। आगे 50 क्योंकि उस हाँ, और उसकी दया उन पर जो उससे डरते थे, डरते हैं, पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। प्रेज़ द लॉर्ड। किन पर दया रहती है उसकी? जो उससे डरते हैं, जो उसकी विधियों पर चलते हैं, जो इतना सामर्थ पाने के बाद भी अपने आप को शून्य समझते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं प्रार्थना करता हूं लोगों को आशीष मिलता है, मैं प्रार्थना करता हूं लोगों की बीमारियां चली जाती हैं, लेकिन फिर भी वो सामर्थ जो मुझ में है मुझे घमंड नहीं देता है, मुझे शून्य बनाता है कि मैं कुछ भी नहीं हूं। प्रेज द लॉर्ड। किन पर कृपा रहती है परमेश्वर की? जो दीन बनते हैं। मैं कुछ नहीं हूं, आई एम नथिंग, मैं कुछ नहीं हूं यीशु, तेरे बिना मैं कुछ नहीं हूं, तुझसे अलग होकर मैं कुछ नहीं हूं, मेरी पहचान तू है यीशु, मेरा नाम तेरे द्वारा जाना जाए। हालेलुया। तब वो विश्वासी सामर्थ जो परमेश्वर ने आपको दिया है वो काम करेगा, वो काम करेगा। और ये किया था मरियम ने। हालेलुया। मरियम मग्दलीनी के बारे में सोचिए, 7 दुष्ट आत्माएं थी उसके अंदर। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यीशु मसीह ने उसे माफ किया। प्रेज द लॉर्ड। क्या किया उसने? उस क्षमा को स्वीकार कर लिया। उसने विश्वास किया कि मेरे पाप क्षमा हुए हैं। क्या कहा यीशु मसीह ने? तेरे पाप क्षमा हुए। हेलो, यही कहा था। उसने विश्वास किया, बेटे रखिए। हालेलुया। कि तेरे पाप क्षमा हुए। मरियम मग्दलीनी ने विश्वास किया कि मेरे पाप क्षमा हुए हैं। लूका 7:37-39 के बीच में
मेरे पाप क्षमा हुए। देखिए बहन, जब आप उस चीज को महसूस करेंगे, जब आप स्वीकार कर लेंगे कि यस मुझे परमेश्वर ने माफ कर दिया है, प्रेज़ द लॉर्ड, जब माफ कर दिया किससे, पापों से, श्रापों से मुक्त कर दिया है, यानी कि आप कौन बन गए हैं, पहले आपके अंदर पाप था, शैतान था, अब आपके अंदर कौन आ गया है, एक मासूम सा बच्चा, एक पवित्र बच्चा आपके अंदर आ गया। लूका 7 37 से उस नगर की एक पापी स्त्री यह जानकर वह परिसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पाँव के पास पीछे खड़ी होकर रोती उसके पाँव को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी, उसके पाँव बार बार चुम कर उस पर इत्र मला। प्रेज़ द लॉर्ड, ये कौन करेगा, एक लड़की करेगी, औरत वो पैरों को चूम रही है क्योंकि उसके अंदर से पाप निकल गया है, वो पवित्र हो गई है, उसमें मासूमियत आ गई है। जब हमारे अंदर पाप होता है तो हमारे अंदर क्या होती है, दुष्टता, क्या होती है हमारे अंदर, दुष्टता। एक बच्चे के अंदर क्या है, पवित्रता, मासूमियत। प्रेज़ द लॉर्ड, एक छोटा सा बच्चा, उसके अंदर क्या है, मासूमियत। वो मरियम मगदलीनी मासूम बन गई, इतना प्यार कर रही है कि मेरे पाप क्षमा हो गए, पैरों को पहुंच रही है, अपने बालों से, उसका अपना मान नहीं देखा, अपनी इज्जत नहीं देखी, वो एक औरत है, वो लोगों के सामने झुक रही थी। प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि उसने महसूस किया था कि मुझे आजादी मिल गई है। प्रेज़ द लॉर्ड, आप कब झुकेंगे, जब आपको महसूस होगा कि आप आजाद हो चुके हैं। सवाल तो यही है, आप यीशु में आने के बाद भी नहीं झुकते क्योंकि आप महसूस ही नहीं कर रहे हैं कि आप पवित्र हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड, उसने स्वीकार कर लिया, मैं पवित्र हूं, मैं पवित्र हूं, मैं निष्कलंक, मैं निष्पापी हूं। एक औरत जो कि वैश्या थी, दुनिया जानती थी, वो फारसी कहता है कि अगर यीशु मसीह नबी होता तो ये जानता ये कौन है। प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह ने कहा जहां सुसमाचार का जिक्र आएगा इसका नाम लिया जाएगा। शुभ समाचार क्या है, सुसमाचार का मतलब क्या है, यीशु की पवित्रता आप में आ गई। जब हम किसी को सुसमाचार सुनाते हैं उसको नरक से निकालकर स्वर्ग में ले आते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, सुसमाचार, क्यों उसे सुसमाचार कहा गया है, क्यों उसे शुभ समाचार कहा गया है, वो समाचार जो किसी के लिए शुभ हो जाए। और वो शुभ चीज क्या है, कि मुझे नरक से मुक्ति मिल गई और मैं स्वर्ग का अधिकारी हो गया हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, इससे बड़ा आशीष क्या है कि मैं नरक में जाने वाला था लेकिन स्वर्ग की ओर जा रहा हूं मैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मरियम मगदलीनी ने स्वीकार कर लिया। प्रेज़ द लॉर्ड, घर में नहीं बैठ गई, वो सेवा कर रही थी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। चेलों से ज्यादा मरियम ने सुसमाचार का प्रचार किया। पहला सुसमाचार चेलों को किसने दिया, मरियम। प्रेज़ द लॉर्ड, चेलों को परमेश्वर ने चुना लेकिन उन तक सुसमाचार किसने पहुंचाया, क्योंकि वो अपने आप को स्वीकार कर गई थी कि मैं पवित्र हूं। मैंने जिस दिन, मेरी बहन, आप स्वीकार कर लेंगे कि मैं पवित्र हूं, ना आपको गुस्सा आएगा, ना आपको अहम होगा, ना कुछ होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, इमीडिएट क्षमा मांगेंगे, आप मुझे माफ करिए, कहीं मेरे अंदर अब पवित्रता ना आ जाए। नहीं 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 नहीं, जिसके सामने, वो किसी के सामने डरी नहीं, फारसी, हो सकता उनमें से कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने उसको यूज किया हो, लेकिन फिर भी वो सबके सामने आई। क्यों? क्योंकि पवित्र हो गई थी, उसको पाप याद ही नहीं था, उसको पाप याद नहीं था। सवाल तो यह है कि हमें पाप याद रह गया है अभी तक,
हम चर्च आते हैं लेकिन हम पाप को याद करते हैं। क्यों आपके जीवन में चंगाई या चमत्कार नहीं हो रहे हैं? क्योंकि अभी भी पाप को आप याद करते हैं। वो चला गया है, वो मेरा नहीं है, वो पाप मेरा नहीं है, इसलिए उसको याद भी करना गलत है। प्रेज़ द लॉर्ड, मैं पवित्र हूं, मैं निष्कलंक हूं, इसलिए मेरे मुंह से किसी की बुराई करना भी गलत है, किसी के बारे में गलत सोचना भी गलत है, बोलने की तो बात ही और है। क्योंकि मेरे मुंह से अगर एक भी गलत शब्द निकला तो परमेश्वर कहीं मुझसे दूर ना हो जाए। प्रेज द लॉर्ड, मुझे वो सुख नहीं चाहिए, इसलिए मुझे हमेशा उस पवित्रता को अपने अंदर रखना है। मरियम मगदलीन रखती थी, मरियम रखती थी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इब्रानियों 11 का 7, 11 का 6 और 7। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। आमीन। वो है, किसको प्रतिफल देता है? खोजने वालों को। खोजने वाले को कैसे खोजेंगे आप? मेरी बात का जवाब दीजिए, कैसे खोजेंगे? आपको पता है ये सारे वचन किसके लिए हैं? आपके लिए। कोई तुम्हें अगर सताता है तो उसके लिए प्रार्थना करो। ये वचन किसके लिए है? सामने वाले के लिए कि अपने लिए? अपने लिए। मेरे लिए, ताकि कहीं मेरे अंदर गुस्सा ना आ जाए, घमंड ना आ जाए, क्रोध ना आ जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कहता है, क्या कहता है? कि उसके खोजने वाले को प्रसन्न करता। क्या कहता है? दोबारा पढ़ो। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना न होना है। सातवां, हाँ हाँ ठीक है ठीक। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है, हाँ, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। किसको प्रतिफल देता है? खोजने। हेलो। लेकिन उससे पहले आपको खुद को खोजना है। हम उसको खोजने की कोशिश करते हैं, हम अपने आप को जानते ही नहीं, अपने आप को समझ नहीं रहे कि अरे हम इस काबिल हैं, हमारे अंदर पवित्रता है। खोजो, खोजो। मुझे जो यीशु मसीह ने दिया है क्रूस से, वो है मेरे पास। खोजो। कितना है? 30%, 60% या 100%? कितना है आपका निष्कलंक? कितना है आप? कितने निष्पापी? खोजिए, पहले अपने आप को खोजो, फिर परमेश्वर को खोजो। वो अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। जब आप अपने आप को खोजेंगे तब आप इस काबिल बन जाएंगे कि आप उसको ढूंढने निकले। प्रेज द लॉर्ड। आप कहीं गुम हो गए मेरी बहन, चर्च में आते आते आप कहीं खो गए, वचन सुन के ना ग्रहण करके आप खो गए। चर्च में तो आ रहे हैं आप, लेकिन आपसे आप ही जुदा हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आप में घमंड नहीं जा रहा, पवित्रता आप में नहीं आ रही है, अहम आ रहा है, ईगो आ रहा है, स्वार्थ आ रहा है, ना माफ करने की भावना आ रही है, क्रोध आ रहा है। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को नहीं खोजते। मुझे अपने आप को खोजना है। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी ने मेरे मुंह पे तमाचा मारा, अपने आप को खोजो, मेरे अंदर धीरज उत्पन्न हुआ कि नहीं हुआ। ये मत कहो अच्छा इसने आज मारा है, कभी तो वक्त होगा मैं मारूंगा। अपने आप को खोजो कि मुझ में गुस्सा आया या धीरज आया। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके पति ने आपको डांटा, खोजो, अपने आप को खोजो, मुझे बुरा लगा या मेरे मन में पति के लिए अच्छी भावना वही है, वो डांट रहा है कोई बात नहीं, मेरा पति है।
क्या चीज आपके अंदर आई? अपने आप को खोजो। हेलो, मैं इस स्थिति में कहां पर हूं? प्रेज द लॉर्ड, मैं काम कर रहा हूं और जिसके लिए काम कर रहा हूं वो मुझे सता रहा है, पैसा नहीं दे रहा है, उसने आज भी पैसा नहीं दिया, मेरे घर में रोटी नहीं है। अपने आप को खोजो कि मुझे गुस्सा आ रहा है या मैं उसके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, मुझे गुस्सा आ रहा है या मैं उसके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। जिस दिन आप अपने आप को खोजने की शुरुआत करेंगे ना, और जिस दिन आप कहेंगे नहीं मैं अपने आप को सिद्ध करूं, क्योंकि धीरज, धन्य है वो मनुष्य जो भिन्न भिन्न प्रकार की परीक्षाओं में पड़ता है ताकि उसमें धीरज उत्पन्न हो। प्रेज द लॉर्ड। याकूब की पत्री 1:2-3, धीरज को अपना काम करने दो। प्रेज द लॉर्ड, ताकि तुम सिद्ध बन जाओ। उसको खोजने से पहले खुद को खोजो। इसलिए पौलुस कहता है कि मैं दूसरों को बताने से पहले खुद को मारता हूं। कहीं दूसरों को प्रचार करते करते मैं खुद ना बहक जाऊं। यही है, हम सुसमाचार सुना रहे हैं, वचन पे आ रहे हैं, हम चर्च आ रहे हैं, हम सही हैं, हम दूसरों को सही करते हैं। अरे चुप रहिए ना, आप लोग क्या पढ़ते हैं? चुप रहिए, आप ऊंची आवाज में बात करते हैं, यहां मत बैठिए, वहां बैठिए। प्रेज द लॉर्ड। यही बात कोई आपको कहे तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं। खोजो, खोजो अपने आप को, खोजो कि आप कहां हैं, क्योंकि आप तलवार की उस धार पर हैं जिस तरफ खाई है और इस तरफ आशीष है। वचन दोधारी तलवार है। प्रेज द लॉर्ड। हमें अपने आप को जांचना है, मैं कहां पर हूं, तब वो जो विश्वास का सामर्थ है, वो जो विश्वास है वो आपके अंदर चट्टान की तरह मजबूत रहेगा, फिर आप जो कहेंगे होगा, जो कहेंगे होगा। मेरे भाई, जो कहेंगे आप मांगे, आपके मांगने से पहले, और जिस दिन आपका सामर्थ आ गया ना आपके अंदर, आपको आप मांगेंगे ही नहीं, आप मांगेंगे ही नहीं। प्रेज द लॉर्ड। आप मांगेंगे नहीं, जिस दिन आपके पास सामर्थ आ गया आप कहेंगे मेरे पास ये चीज रहे, बस रोटी रहे, कपड़ा रहे, कहीं बंगला रहे ना रहे, परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर मुझ में रहे। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए खुद को खोजो। विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। आगे बढ़िए बेटा, ले लो 11:6। हालेलुया। खुद को खोजो। जिस दिन खुद को खोजना शुरू करोगे ना मेरे भाई, परमेश्वर कहां है? हेलो, यीशु कहां है? कोई बताएगा यीशु कहां है? कहां पर है? उसने हमें अपना मंदिर कहा। प्रेज द लॉर्ड। आप विश्वास करिए, जिस दिन अपने आप को खोजना शुरू करेंगे ना, यीशु आपको आपके अंदर ही मिल जाएगा। यीशु आपको आपके अंदर ही मिल जाएगा, और वो बैठा हुआ है कि मेरा बच्चा खोजे, मेरा बच्चा अपने आप को पहचाने और मुझे जाने, अपने आप को बचाए, इसलिए उसने अपनी आत्मा रखी हुई है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमें उसको खोजने से पहले खुद को खोजना है। इसलिए वो कहता है इब्रानियों, अपना यिर्मयाह 29:13, कि तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे क्योंकि तुम मुझे समर्पित मन से ढूंढोगे। जब तुम मुझे समर्पित मन से ढूंढोगे तब पाओगे। यिर्मयाह 29:13 जल्दी निकालिए। हालेलुया। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। संपूर्ण मन कब होगा आपका? संपूर्ण मन कब होगा आपके पास आपका? जब आप पूरी तरीके से अपने लिए नहीं जिएंगे, प्रभु के लिए जिएंगे। प्रेज बात।
संपूर्ण मन कब होगा आपका? संपूर्ण मन से। संपूर्ण मन जब आपका मन संसार में नहीं होगा, जब आपका पैसे में नहीं होगा, आपके धंधे में नहीं होगा, आपकी नौकरी में नहीं होगा, आपके बच्चों में नहीं होगा, आपका संपूर्ण मन जब प्रभु में होगा और जब आप उस प्रभु को खोजेंगे मिलेगा। लेकिन उस संपूर्ण मन को बनाने के लिए आपको अपने आप को जांचना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। आज हमने वचन ग्रहण किया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।